जाए भैया होया जबगर जब के लड़ैया। अब तुम आप कई साइकिल लेके आई है आरो होय चाहे बार फैसला बदल रहे आरो होय चाहे बार फैसला बदल रहे तुम्हारा फिर सब हुए फरा निरहुआ इस बार भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी वही हुआ, यानी आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव को इस बार भी परिवार के बाहर का कोई उम्मीदवार नहीं मिला जिसे वो निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़ा सके। इसलिए एक बार फिर अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, जिससे आजमगढ़ की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गयी है। दरअसल जिस आजमगढ़ लोकसभा सीट से साल 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी, उसी आजमगढ़ सीट से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी जीत हासिल की थी। और जब साल 2022 में इसी सीट पर उपचुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो धर्मेंद्र यादव पूरी तरह से चुनाव हार गए। तो वहीं निरहुआ ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया था। निरहुआ की इस जीत के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि सपा बदले की आग में जल रही थी, इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत वोट काटने वाले बसपाई गुड्डू जमाली को अखिलेश यादव ने सपा की सदस्यता दिलाकर सीधे विधान परिषद भेज दिया। तो वहीं एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर आजमगढ़ में मैदान में उतार दिया, जिसका मतलब साफ है कि एक बार फिर आजमगढ़ सीट पर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच जंग देखने को मिलेगी। तो वहीं अखिलेश के इस फैसले पर बीजेपी सांसद निरहुआ ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा, अगर किसी यादव को ही लड़ाना था तो यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं। पूर्वांचल में अखिलेश यादव को कोई और यादव नहीं दिखता, यही दिक्कत है। अखिलेश यादव को किसी स्थानीय यादव नेता पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बीजेपी सांसद निरहुआ की इस बात में वाकई दम नजर आता है, क्योंकि पिछले तीन चुनावों में सपा ने आजमगढ़ सीट से उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों ही बार मुलायम परिवार से कोई न कोई नेता चुनाव लड़ता रहा है। 2014 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े, 2019 में खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़े, 2022 उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में जिस परिवारवाद का मुद्दा उठाते रहे हैं, आजमगढ़ सीट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां से पिछले तीन चुनाव से मुलायम परिवार ही लड़ता रहा है, तो वहीं इस बार भी अखिलेश ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा है। लेकिन आजमगढ़ जीतना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने अपने सियासी करियर में आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि निरहुआ आजमगढ़ के विकास पुरुष बनकर उभरे हैं। उपचुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव शायद ही कभी आजमगढ़ गए, लेकिन निरहुआ ने 2019 में हार के बावजूद आजमगढ़ नहीं छोड़ा। 2022 में जीतने के बाद सांसद निरहुआ इसी आजमगढ़ के होकर रह गए और यहीं पर फिल्मों की शूटिंग भी की, जनता की सेवा भी की। अगर मायावती मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं तो मुस्लिम वोट बीएसपी को जा सकता है, जिसका नुकसान धर्मेंद्र यादव को हो सकता है। पिछले चुनावों की अपेक्षा यादव वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हुई है, जिसका फायदा निरहुआ को मिल सकता है। अखिलेश यादव अगर खुद आजमगढ़ से लड़ते या फिर चाचा शिवपाल को यहां से लड़ाते तो निरहुआ के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि दोनों ही सपा के कद्दावर नेता हैं और पूरे यूपी में उनका एक सियासी कद है। उनके सामने तो निरहुआ का सियासी कद भी छोटा पड़ जाएगा, जबकि धर्मेंद्र यादव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें तो आजमगढ़ की आधी जनता जानती भी नहीं होगी, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर हारे हुए घोड़े पर दाव लगाकर बहुत भारी गलती कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार आजमगढ़ से कौन बाजी मारेगा, बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ या फिर सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले आजमगढ़ के दौरे पर गए पीएम मोदी ने यहां पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था, पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग
जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35-35 साल पहले घोषणा हुई, कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें, ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है। और मैं 2047 तक 100 विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं, आपका ये उत्साह देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है।